पढ़ना शुरू कर दे। कहाँ मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा था ना, क्या क्या बताया था याद आपको होगा नहीं, याद तो मुझे भी नहीं है जी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि यही स्टार्ट मेनूज वगैरह टास्क बार वगैरह को कस्टमाइज करना मैं बताया था आप लोगों को, और ये वॉलपेपर वगैरह थीम्स वगैरह के बारे में यही बता रहा था ना, तो लगभग शायद मैं इतना बताया था जहाँ तक मेरे को याद है। विंडोज ई दबाने से जो है माई कंप्यूटर खुल जाता है, आप लोग भी जानते ही होंगे। अब विंडोज़ के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट एरो दबाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर राइट एरो दबाऊंगा तो इधर हो जाएगा, मतलब लेफ्ट एरो दबा रहा हूँ तो इधर जा रहा है और राइट से ही राइट में जा रहा है, ठीक है। डाउन एरो दबाऊंगा तो मिनिमाइज हो गया जी, ठीक है। फिर मान लीजिए ऐसे है, अप एरो दबाऊंगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऑल्ट के साथ स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे इस तरह का कुछ शॉर्टकट आएगा और मैं चाहूँगा क्लोज हो जाएगा, चाहूँगा तो रिस्टोर डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको एंटर दबाऊंगा तो ऐसे मूव कर सकता हूँ मैं कीबोर्ड से बटन्स के जरिए, ठीक है जी। फिर विंडोज ई दबाऊंगा, फिर इधर मैं शिफ्ट कर दूंगा या ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ स्टार्ट मेन्यू है, टास्क बार में कुछ पिंड है कुछ प्रोग्राम, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम मुझे खोलना है तो मैं क्या करूँगा, इसको गिनूँगा एक, इसको गिनूँगा दो, ठीक। फिर विंडोज़ के बाद दो दबा दूंगा तो ये खुल जाएगा, देख लीजिए जी। इसको खोलना है तो मैं विंडोज़ के बाद तीन दबा दूंगा तो ये खुल जाएगा जी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग खोल लिया करोगे, ठीक ना। बाकी ऑल्ट के साथ टैब दबाने से क्या होता है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट टैब दबाएंगे तो क्या होगा जी, ये यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, फिर आप एरो की के साथ इसमें आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट के साथ टैब बताया था ना, हाँ टैब करेंगे तो ये होगा जी, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर लिया करोगे मिनिमाइज वगैरह। कंट्रोल और स्कैप बटन दबाएंगे तो ये स्टार्ट मेनू खुलेगा जी, कंट्रोल शिफ्ट स्कैप दबाएंगे तो ये टास्क मैनेजर खुलेगा विंडोज़ का, ठीक है। कंप्यूटर आप चला रहे हैं अचानक से हैंग कर गया तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दें जी, तो यहाँ से आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं और टास्क मैनेजर खोल करके प्रोग्राम को ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, विन वर्ड ये ले लिया, खुल गया। मान लीजिए इस एमएस वर्ड प्रोग्राम के कारण हैंग कर रहा है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट स्कैप दबाया, इस पे जाऊंगा और यहाँ पे इंड टास्क मैं कर दूंगा, इंड हो जाएगा जी, ठीक है। एंड नाउ कर दिया मैं, ठीक है, एंड हो गया वो टास्क, डिलीट हो गया, ठीक है। तो हैंग को अगर हो जाए तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रहा, फिर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको कुछ और टेक्निक्स वगैरह भी, ठीक है। टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कि हम सीधा विंडोज आर दबाएं और सीधा यहाँ लिखे कंट्रोल और कंट्रोल पैनल यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल पैनल खोलने के बाद आप खोल लोगे ऐसे कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल से कंप्यूटर का सारा काम हो सकता है, ठीक है। टोटल काम आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे दिए हुए हैं, ये देख लीजिए आप, कमांड्स मेन्यूज या जो कह लो आप, देखते हैं एक एक करके इन सब में जा जा करके हमारे काम का कितना है, ठीक है। ये अपडेट वगैरह के लिए है जी, मुझे अपडेट से ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं कुछ करूँगा, ठीक है। मैसेजेस वगैरह यहाँ पे कुछ आए रहते हैं, ठीक है। ये बैकअप एंड रिस्टोर का है, बैकअप वगैरह का ऑप्शन है,
जैसे मान लीजिए आपने बैकअप लिया, ठीक है, और फिर सिस्टम फॉर्मेट करके आप फिर से चाहे तो बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र पे मैं जाऊंगा तो क्या होगा, ट्रांसफ़र कर सकता हूं मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ डेटा वगैरह। जैसे देखिए केबल दिया है, एन इजी ट्रांसफ़र केबल या नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए ये विंडोज़ अपडेट वगैरह के रिलेटेड है, ठीक है। 7 तो होगा नहीं, विंडो 10 होगा अब अपडेट। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल दिया हुआ है, बाकी तो नहीं, एक तो आपके यहाँ पे काम का है कंप्यूटर मैनेजमेंट पे आइए, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है, इसमें आना है और कंप्यूटर मैनेजमेंट में आना है, ठीक है। तो ये आपका खुल गया कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर देख सकते हैं, यहाँ से लोग पता लगाते हैं कि इसमें किस किस चीज़ का ड्राइवर चला है, किस किस चीज़ का नहीं चला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ डिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है जी, डिस्क मैनेजमेंट से पार्टीशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क का। जैसे मान लीजिए माई कंप्यूटर में ओपन करता हूँ, यहाँ पे 3 ड्राइव है, ठीक है, ये है, ये है, ये है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्टीशन है इसमें से मैं 10 MB निकाल लूँ और एक नया ड्राइव बना दूँ, ठीक है। तो कैसे बनेगा, या तो आप यहाँ से जाइए मैनेजमेंट में राइट क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट ओपन करेंगे और ये देख लीजिए यहाँ पे दिखाई देने लगेगा आपको सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो 1 TB का हार्ड डिस्क था वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बाकी SSD, मेरे में SSD ये लगा है और ये HDD लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे में 2 लगा है इसलिए 2 दिखा रहा है, डिस्क 0 डिस्क 1, ठीक है। तो मैं अब इसमें से चाह रहा हूँ कि एक पार्टीशन और बना लूँ, ठीक है, तो मैं बना लूँगा, चाहूँगा तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा तो डिलीट हो जाएगा ये पार्टीशन, ठीक है। अब डिलीट कर दूँगा तो यहाँ पे माई कंप्यूटर पे ये नहीं दिखाएगा, अब मेरा इसमें बहुत सारा डेटा है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि डिलीट हो। डिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, विंडोज़ R दबा सकते हैं आप, DISKMGMT.MSC, एंटर किया, ये देखिए डिस्क मैनेजमेंट खुल गया, ठीक है, सिर्फ डिस्क मैनेजमेंट खुला है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें सारा जो पार्टीशन है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो ओपन हो गया ये, ठीक है, विंडोज़ E, ये देख, इसमें से मैं 10 GB निकाल के नया ड्राइव बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करूँगा जी, राइट क्लिक करूँगा, श्रिंक वैल्यूम में आपको जाना है, ठीक है, ओपन करूँगा तो ओपन कर देगा, एक्सप्लोर पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ओपन ही कर देगा। यहाँ पे करूँगा मार्क पार्टीशन एज एक्टिव तो ये एक्टिव में मार्क हो जाएगा। इस पे मैं जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ड्राइव है ना ये दिखाई नहीं देगा माई कंप्यूटर में। आप ट्राई करके देखना अपने सिस्टम पे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, रिमूव कर दूंगा। चेंज पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अभी इसका नाम ई ड्राइव है ना, मैं जेड पे क्लिक करके ओके कर दूंगा तो क्या होगा, इस ड्राइव का नाम जेड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना ई, आप देख पा रहे होंगे, तो ये ई लिखा है, यहाँ से चेंज कर दूंगा तो बदल जाएगा वो, ठीक है। राइट क्लिक, फिर फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा जी, ओके कर दूंगा तो ये पूरा फॉर्मेट कर देगा, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे में इम्पोर्टेंट डेटा है, आप अपने कंप्यूटर का करके देख लीजिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट डेटा वगैरह होगा तो मत करिएगा, कहे कि वो पार हो जाएगा तो दोबारा शायद ना आए, इसलिए आप मत करिएगा। डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा जी, फिर भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टी दिखाई देता है ड्राइव का, ठीक है,
राइट क्लिक मैं करता हूँ, श्रिंक वैल्यू में क्लिक करूंगा, ये बोल रहा है मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ जी स्पेस कितना है। ठीक है, अब ये चेक कर लेगा कि स्पेस कितना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 10 MB का एक नया ड्राइव बना दूँ। ठीक है, तो देखता हूँ 10 MB का कैसे बनता है। भाई इतना देर क्यों लगा रहे हो, घूम रहे हो देर तक। पार्टीशन वगैरह जो होता है ना वो इसी तरह से होता है। ठीक है, एक तो यहाँ से करेगा डिस्क मैनेजमेंट से पार्टीशन करेगा वो हार्ड डिस्क का। ठीक है, या तो कंप्यूटर जब फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है, उस समय ऑप्शन आता है फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, तो पार्टीशन करने का तो वहाँ से पार्टीशन कर लेगा। अब मैं यहाँ से कितना, मैं चाह रहा हूँ जी 10 MB का एक तो ड्राइव बन जाए, तो मैं बना लूँगा यहाँ पे MB में। बोल रहा है कि कितना MB करूँ। ठीक है, चलो जी टोटल चलिए मैं 10 लिख दिया। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इधर एक तो बन के आ जाएगा, या तो फ्री स्पेस ही आएगा या तो अनएलोकेटेड आएगा। ठीक है, आ जा भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, घूम रहा है, अभी करेगा पार्टीशन। ये देखिए अनएलोकेटेड आ गया ना 10 MB। फिर से एक बार यहाँ से मैं आके श्रिंक अगर करूँगा, ठीक है, तो ये अनएलोकेटेड फिर से, ये जो अनएलोकेटेड यहाँ पे है ना, इसको और जो यहाँ से फिर से जो मैं बढ़ाऊँगा उसको, ये आपस में मर्ज कर देगा। ठीक है, अब ये अनएलोकेटेड है अभी, अभी माई कंप्यूटर में ये नहीं आया होगा। ठीक है, अब माई कंप्यूटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अनएलोकेटेड पे राइट क्लिक करके इसको ड्राइव में बनाना पड़ेगा इसको ड्राइव। ठीक है, अभी ये अनएलोकेटेड आया है, देखिए ब्लैक कलर का, ये फ्री स्पेस में भी आता है। जब फ्री स्पेस में आएगा फिर भी आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वैल्यूम में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये बोल रहा है साइज कितना होना चाहिए, यहाँ पे 10 MB टोटल, 11 MB टोटल यहाँ पे क्या है, अनएलोकेटेड है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो 11 MB हार्ड डिस्क में है वो खाली है, उसमें कोई भी एलोकेट नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 5 अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा, 5 MB पार्टीशन का बन जाएगा ड्राइव और बाकी जो है अनएलोकेटेड में ही रह जाएगा। तो मैं 9 ही रखने देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। ठीक है, अबे फॉर्मेट किया और ये पार्टीशन तैयार कर दिया। ठीक है, ये देखिए ओपन हो गया पार्टीशन, ये देख लीजिए यहाँ पे एक आ गया ना 8.99 MB का। तो इस तरह से आप कर लोगे जी पार्टीशन। ठीक है, हो जाएगा, आसान काम है। अब इसको डिलीट मेरे को करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, डिलीट कर दूंगा, डिलीट वैल्यूम। ये बोल रहा है डिलीटिंग दिस वैल्यूम विल इरेज ऑल डेटा ऑन इट बैकअप, पता नहीं क्या क्या लिखा है। ठीक है, यस कर दूंगा जी, अनएलोकेटेड फिर से हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरह से चाहो तो बना लो नया ड्राइव, चाहो तो डिलीट कर दो नया ड्राइव। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि ये जो 11 MB इधर मैं रखा हूँ निकाल के, ये किसी काम का तो है नहीं। मैं दिखाने के लिए जो है 10-11 MB निकाला था, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है इसमें जुड़ जाए। ठीक, तो क्या करूँगा मैं ना, राइट क्लिक करूँगा, एक्सटेंड वैल्यूम में जाऊँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँ, कर देता हूँ जी, बढ़ जाएगा सच में, ये तो बढ़ गया यार, सच में बढ़ गया, पता ही नहीं चला मुझे तो। ठीक है, बढ़िया गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, फिर से ओपन किया, ये देखिए
ये जो ड्राइव हमारा बना था वो ड्राइव आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप हार्ड डिस्क पार्टीशन तो कर लोगे ना। ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन स्टाइल दो तरह का होता है, एक होता है जीपीटी पार्टीशन, एक होता है एमबीआर पार्टीशन। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके जाऊंगा प्रॉपर्टी में, यहाँ पे आऊंगा तो ये देखिए लिखा है एमबीआर, माने ये एमबीआर पार्टीशन है, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लिक करूंगा तो ये भी जो है एमबीआर पार्टीशन होगा, एमबीआर पार्टीशन। प्राइम एमबीआर जो पार्टीशन होता है उसमें प्राइमरी पार्टीशन चार ठो ही बनता है, ठीक है। और जो जीपीटी पार्टीशन होता है उसमें कहा जाता है कि 128 प्राइमरी पार्टीशन बन जाते हैं। अब आप कहोगे जी इस बात का प्रमाण क्या है कि 128 ठो बन जाएगा, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। हमको भी अजीब लगा था सुन के, ठीक है। तो मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा कि बनाना शुरू करते हैं 128 ठो पार्टीशन। फिर मैं सोचा कि कौन जाता है 128 ठो पार्टीशन बनाने, दो चार ठो बना के देख लेते हैं। तो मैं बनाया, लगभग 12-13 पार्टीशन बना, उसके बाद मैं बनाना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए जीपीटी पार्टीशन में ये था, देखिए था। तो इसमें 12 या 13 पार्टीशन में बनाया, उसके बाद जो है मैंने बनाना बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप पार्टीशन कर लोगे, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क का पार्टीशन तो आपसे हो जाएगा ना, नहीं होगा? हाँ हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सी ड्राइव है आपका ये वाला, अब सी ड्राइव मान लीजिए 500 GB का है, अब सी ड्राइव को 500 GB क्यों चाहिए जी, 400 निकाल लो ना, 100 GB में तो विंडोज आराम से चलेगा। तो यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे, श्रिंक वाले में जाओगे, और ये स्पेस जो है इंक्वायरी कर रहा है, इस पर जैसे इंक्वायरी कर लेगा जितना आपको निकालना है उसमें से उतना जो है MB अमाउंट डालिएगा और निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो पार्टीशन इस तरह से आप लोग कर लेंगे ना, कोई दिक्कत आएगा आएगा नहीं आएगा, कुछ समझ में आया नहीं आया? हाँ देखो यार, चुप रहोगे इसे तो हम कैसे मेरे को पता चलेगा कि आ गया आप लोगों को समझ में? नहीं आया। कौन सा लाइन नहीं समझ में आया? पते नहीं चला कुछ भी। ये देखिए माई कंप्यूटर खोलते हैं तो ये ड्राइव दिखता है ना भाई। देखिए मान लीजिए आपसे पूछूंगा कि आपके कंप्यूटर में कितना रैम है, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, दिखा देंगे, देख लो कितना रैम है, ठीक है जी, 2 GB रैम है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क पूछूंगा कि कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? माई कंप्यूटर ओपन कर देंगे, हो सकता है कि पूरा हार्ड डिस्क पार्टीशन ना किया हो तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो और दूसरा चीज कि ये हार्ड डिस्क वगैरह का जो पार्टीशन करना है ना, जैसे मान लीजिए इस ड्राइव को डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे, या फिर इस एक ठो ड्राइव को दो ड्राइव में बांटना है मेरे को तो आप कैसे बांटेंगे? तो राइट क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर में, मैनेजमेंट पे आप जाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे डिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ से आप जो है पार्टीशन कर लेंगे। अभी प्रोजेक्टर की वजह से जो है छोटा नजर आ रहा होगा आपको विंडो, ठीक है। राइट क्लिक करके एक डिलीट मारेंगे तो डिलीट हो जाएगा, श्रिंक करेंगे तो इस ड्राइव में से निकल जाएगा उतना MB जितना ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर से जो आप निकाले रहेंगे अनएलोकेटेड, ठीक है, उसको आप न्यू वैल्यूम पे, जैसे मैंने किया था अनएलोकेटेड को पार्टीशन, उसी तरह से आप चाहेंगे तो उसको नया ड्राइव बना लेंगे, ठीक है। तो आप ड्राइव यहाँ से बना लेंगे, डिलीट कर लेंगे, ठीक है, दिक्कत तो नहीं आना चाहिए मुझे जैसा लगता है, आएगा दिक्कत, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है।
दिक्कत नहीं आएगा, और आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आगे चलें क्या? तो हार्ड डिस्क का पार्टीशन तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, देखते हैं और आगे क्या है कंट्रोल पैनल में। ये है ऑटो प्ले, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी पेन ड्राइव लगाया, डीवीडी सीडी का कैसेट लगाया, मेमोरी कार्ड लगाया, ठीक है, तो क्या होगा कि वो अपने आप जो है प्ले हो जाएगा, या पेन ड्राइव अगर आपने लगाया तो पेन ड्राइव अपने आप जो है ओपन कर देगा। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने आप ओपन, ठीक है? उसी चीज के लिए ये बोल रहा है यहाँ से कि चॉइस करो, ठीक है, क्या हम फोल्डर को ओपन कर दें या फिर प्ले कर करें, सीडी डीवीडी का अगर कैसेट है उसमें वीडियो है तो प्ले करें या कैसे करें, या फिर आस्क मी एवरी टाइम, मतलब कि दोबारा पूछो मेरे से, ठीक है? तो वही जो है ये पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है? अब सॉफ्टवेयर है तो क्या सीधा इंस्टॉल कर दूँ, रन करूँ प्रोग्राम, या फिर कुछ ना करूँ, या फिर करूँ? तो डिफॉल्ट जो इसमें कुछ ये सेट किया नहीं है, ठीक है? ये देखिए डिवाइस अगर कोई भी लगाते हैं तो इसमें मैं लिखा हुआ है कि आस्क मी एवरी टाइम, मेरे से तुम बार बार पूछो कि क्या करना है, ठीक है, फिर करो, ठीक है? तो ये जैसे आपने पेन ड्राइव लगाया और पॉपअप आ जाता है ना सामने ओपन करने का, तो उसी का सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये आता है बैकअप एंड रीस्टोर, तो ये बैकअप करने का ऑप्शन है, यहाँ से बैकअप आप कर लेंगे, सिस्टम को ही बैकअप कर लेंगे, या फिर सिस्टम रिपेयर डिस्क बना लेंगे आप, ठीक है? उसके बाद ये बीट लॉकर, ये लाइट भी लगता है दुश्मनी निकाल रहा है, चलिए वेट कर लेते हैं लाइट का। इसको बता रहा था ना बीट लॉकर डिवाइस, पता नहीं क्या बोल रहा था वो, मैं नहीं समझ पाया। यहाँ से भी आप डिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं, खैर छोड़िए मैं नहीं हूँ इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ ऑन, ठीक है, ऐसे यहाँ पे डाल दूंगा मैं पासवर्ड, ठीक है? तो मालूम क्या होगा, आपका जो ड्राइव है ना, ओपन करता हूँ माई कंप्यूटर, ये जो ड्राइव है इसमें एक ठो ताला लग जाएगा, ठीक है? इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है? आपसे पासवर्ड मांगेगा, जब आप पासवर्ड डाल देंगे तब कहीं वो फिर ओपन होगा, ठीक है? तो यही है इस बीट लॉकर का मतलब, ठीक है? आप लोग ट्राई करना लगा के बीट लॉकर अपने सिस्टम में, ठीक है? ऑटोमेटिकली अनलॉक टू ड्राइव ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है? छोड़ दो, हटाओ, मैं नहीं कर रहा हूँ, कहे कि अभी थोड़ा समय लेगा और मेरे को मतलब नहीं है लॉक वॉक करके, ठीक है? अपने सिस्टम को लॉक करना, आप ना लॉक हो तो फिर बताना, फिर मैं ही दिखा दूंगा करके, ठीक है? तो ड्राइव वगैरह में पासवर्ड डालने के लिए जो है ये होता है, ठीक ना? कलर मैनेजमेंट है, उसके बाद एक कलर वगैरह का बात कर रहा है, मुझे मतलब नहीं है इसके कलर से, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। क्रेडेंशियल मैनेजमेंट, ये यूज़र अकाउंट्स वगैरह के लिए है, यूज़र अकाउंट को मैं आखिरी में बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि यूज़र अकाउंट में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे पेन ड्राइव चाहिए और पेन ड्राइव मैं अभी रखा नहीं हूँ, इसीलिए इसको देखेंगे हम थोड़े बाद में, ठीक है? ये डेट एंड टाइम है जी, आप यहाँ से बदल सकते हो चेंज डेट एंड टाइम से,
यहाँ कैलेंडर का सेटिंग आप लोग बदल सकते हो वैसे, ठीक है। टाइम का फॉर्मेट वगैरह यहाँ से बदला जाएगा, करेंसी का फॉर्मेट बदला जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये सब आप लोग बदल लेना, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट जिस कंट्री को आप सेलेक्ट करोगे उसका होगा, लोकेशन यहाँ से आप बदल सकते हो, ठीक है। पर मुझे ज़रूरत तो है नहीं जी कि मैं बदलूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा कि नहीं बदलूँगा, ठीक है। कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेज है, तो कीबोर्ड के बारे में पूछ रहा है, कीबोर्ड चेंज करना चाह रहे हो। मैं बोल रहा हूँ नहीं जी, यूएस जो कीबोर्ड है वो रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कभी जब आपका लैंग्वेज बदल जाए, काम नहीं कर रहा है लैंग्वेज, तो आप यहाँ से जो है देख लोगे, ठीक है। यहाँ से लैंग्वेज वगैरह इंस्टॉल होगा कुछ, ठीक है। वेलकम स्क्रीन एंड न्यू यूजर अकाउंट, ठीक है। मैं इसको रहने देता हूँ, रीजनल लैंग्वेज को। डेट टाइम कैलेंडर सेलेक्ट करो और ओके कर दो तो बदल जाएगा ये, ठीक है। मैं कैंसिल कर दिया। ये है टाइम जोन, ठीक है। अभी टाइम कहाँ का दिखा रहा है, इंडिया का, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ठीक है। ठीक उसी तरह से जिस कंट्री को मैं सेलेक्ट करूँगा उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो है समय हमको दिखाने लगेगा, ठीक है। तो आप अगर दूसरे कंट्री में जाते हो, दूसरे देश में जाते हो, तो उस देश का टाइम देख लिया करना, ठीक है। एडिशनल क्लॉक में क्या है, 100 क्लॉक, इतना 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 क्लॉक, 1 क्लॉक 2, मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनेट टाइम, दिस कंप्यूटर सेट ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज विद टाइम डॉट विंडो डॉट कॉम, ठीक है। तो ये इंटरनेट वगैरह से लेगा, ठीक है। अब इस पे जाएंगे तो ये बदल सकते हो आप किस सर्वर से ले, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इसको आप लोग छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। कैंसिल कर देता हूँ मैं, डेट टाइम ऐसे बदल लोगे आप लोग, ठीक है। अगला डिफॉल्ट प्रोग्राम है। अब मैं आ जाता हूँ सेट योर डिफॉल्ट प्रोग्राम पे, ठीक है। तो ये कुछ लोडिंग कर रहा है, लोडिंग लोडिंग, ठीक है। सेट दिस इज ए डिफॉल्ट प्रोग्राम, चॉइस डिफॉल्ट फॉर दिस प्रोग्राम। फिर इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डिफॉल्ट होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप ये देख लीजिए, बहुत सारा ये देख लीजिए फोटो वगैरह है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में बहुत सारा वीडियो है, ठीक है। तो आप वीडियो फाइल को कैसे ओपन करोगे, MP3 प्लेयर से तो नहीं ओपन करोगे, उसके लिए आपको वीडियो प्लेयर ही चाहिए, ठीक है। तो वीडियो फाइल को प्ले करने के लिए वीडियो प्लेयर ही चाहिए, ये आप डिफॉल्ट रूप से सेट कर दोगे अपने मोबाइल में, तो क्या होगा कि जब भी आप वीडियो को प्ले करेंगे तो वीडियो प्लेयर से ओपन करेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से जब आपको MP3 बहुत सारा होगा आपके मोबाइल में, जब आपको MP3 प्ले करना है तो आप MP3 प्लेयर से प्ले कर लोगे, ठीक है। फोटो को ओपन करना है तो आप MP3 प्लेयर से तो नहीं ओपन कर दोगे, उसको तो फोटो इमेज व्यूअर या फोटो व्यूअर से ही ओपन करोगे ना आप लोग। तो वही आप सेट कर दोगे कि जितना फोटो वाला जो फाइल है वो सब जो है बाय डिफॉल्ट मेरे फोटो व्यूअर सॉफ्टवेयर से ओपन हो। तो वही ये बता रहा है, जो है वही सेट करने को बोल रहा है। जैसे मान लो चॉइस डिफॉल्ट किया तो ये देखिए बोल रहा है कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो ओपन करेगा ड्राइव बोल रहा हूँ गूगल क्रोम से, लेकिन जो PDF है वो PDF को ओपन नहीं करेगा, SVG को ओपन नहीं
नहीं करेगा, ठीक है। तो ये HTML डॉक्यूमेंट को खाली जो है ओपन करेगा गूगल क्रोम, ठीक है, इसमें सेट है ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यही है डिफॉल्ट प्रोग्राम का जो है मतलब। जैसे ये वीडियो प्लेयर है, चूज डिफॉल्ट फॉर दिस प्रोग्राम, तो ये क्या क्या प्ले करेगा, तो ये MP3 वीडियोज वगैरह जो है विंडोज मीडिया प्लेयर जो है प्ले करेगा, ठीक है। पूरा एक्सटेंशन वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यही जो है इसका मतलब है, बाकी कुछ है नहीं। तो ये समझ में आया नहीं आया, ये समझ में, इसका ये मतलब है कि किस फाइल के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है काम आएगा। MP3 का अगर फाइल है तो MP3 प्लेयर से ओपन करो, वीडियो फाइल है तो वीडियो प्लेयर से ओपन कर दो, अगर फोटो है तो फोटो व्यूअर से उसको ओपन करो, ठीक है। इसी के लिए ये सेटिंग जो है बता रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई समस्या नहीं है? समस्या बताओगे नहीं बताओगे? आगे चले नहीं चले? कुछ नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा? एसोसिएट ए फाइल टाइप और प्रोटोकॉल विद प्रोग्राम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये एक्सटेंशन वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, प्रोटोकॉल्स के साथ जो एसोसिएट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। इसका भी मतलब वही है जो डिफॉल्ट प्रोग्राम वाला था, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है .mp3 है, तो उसको ऑलवेज स्पेसिफिक प्रोग्राम किससे जो है ओपन करूँ, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, ऑटो प्ले का सेटिंग्स है ये जो आपको मैंने बताया, ठीक है। कस्टमाइज करने के लिए ये बोल रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। किधर गया डिफॉल्ट प्रोग्राम, भूल गया मैं। अच्छा ये है, तो ये तो समझ में आ गए ना? नहीं आया समझ में? ये डिफॉल्ट प्रोग्राम का ऑप्शन सेट करता है कि इस फाइल को ये सॉफ्टवेयर के जरिए ओपन करना है बाय डिफॉल्ट। जैसे ही एमएस वर्ड का जो फाइल है उसको नोटपैड से तो नहीं खोलेगा ना? जैसे ही एमएस वर्ड के हम सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड से ओपन कर दे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एमएस वर्ड के फाइल का डिफॉल्ट जो है सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। डेस्कटॉप गैजेट्स है ये, एक गैजेट्स तो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, ठीक है। तो वही एक गैजेट्स वगैरह है, मैं बंद कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। डिवाइस मैनेजर है ये, जो मैं उस समय बताया था आपको, कंप्यूटर दुकान वाले इसका इस्तेमाल करते हैं चेक वेक करने के लिए। ये देखिए, जैसे ये डिवाइस लगा हुआ है 200, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 256 GB का SSD लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है 1 TB का है Seagate का हार्ड डिस्क, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। ये ब्लूटूथ है, इसमें 2 ड्राइवर जो है ब्लूटूथ का, ठीक है। तो ये ड्राइवर्स वगैरह चेक किया जाता है यहाँ से, और देखा जाता है क्या क्या डिवाइस है। जैसे इंटीग्रेटेड वेबकैम, जैसे वेबकैम लगा हुआ है मेरे लैपटॉप में, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है स्टैंडर्ड PS/2 कीबोर्ड लैपटॉप का, ठीक है। मॉनिटर का है ड्राइवर, ठीक है। नेटवर्क के लिए इतना है, डेल का है, वर्चुअल बॉक्स का है ड्राइवर, ठीक है, ब्लूटूथ का है। ये प्रोसेसर वगैरह का बता रहा है, i3 का प्रोसेसर है, 4th generation है, ठीक है। ये जो पहला डिजिट है ना, ये जनरेशन ही बताता है ये, ठीक है। तो यही है जो है,
बाकी ये सिस्टम के रिलेटेड डिवाइस है इसमें कुछ। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइस वगैरह का मैनेजमेंट वगैरह होता है। ठीक है, डिवाइस एंड प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर में क्या है, जैसे ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, जो भी आप प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल करोगे कंप्यूटर में वो यहाँ पे दिखाएगा। अब जिसको आप राइट क्लिक करके सेट कर दोगे डिफ़ॉल्ट, वही जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया तो ये हो गया, यहाँ पे प्रिंटर वगैरह पूरा दिखाएगा। ठीक है, मैनेज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क यहाँ से सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा, फिर इधर प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। खैर छोड़िए, ये तो आपके समझ में आएगा नहीं अभी नेटवर्क और प्रिंटर का। ठीक है, ये डिस्प्ले सेटिंग वगैरह है। ठीक है, जो मैं आपको जो पहले दिन शायद बताया था तो उसी चीज़ का है, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा हूँ जो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इजी एक्सेस। ठीक है, इसमें आएंगे तो क्या होगा, ये मैग्नीफायर है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैग्नीफायर हो गया, ये बड़ा बड़ा दिखने लगा, जूम हो गया। ठीक है, जिधर ही मैं ले जाऊंगा उधर ही जो है बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये मैग्नीफायर है। ठीक है, इसका शॉर्टकट बटन भी है, विंडोज के बाद प्लस का साइन दबाइए तो ये मैग्नीफाई कर देगा। ठीक है, ये नरेशन जो है वो आवाज जो आ रहा है ना वो इसका वो नरेशन के कारण है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट बटन क्या है जी, कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस आर, फिर ओ एस के एंटर दबाएंगे तो ये खुल जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में। ठीक है, ठीक है, तो इस पे बहुत सारा सेटिंग्स वगैरह दिया है कि टर्न ऑन और ऑफ हाई कॉन्ट्रास्ट में लेफ्ट अल्ट दबाओ और शिफ्ट दबाओ और प्रिंट स्क्रीन को दबाए रहो तो हो जाएगा, मैं नहीं दबाऊंगा वो काला काला दिखने लगेगा। ठीक है, व्हेन यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट टर्न ऑन इजी एक्सेस। ठीक है, कैसे होगा इजी एक्सेस टर्न ऑन, शिफ्ट बटन को मैं 1 2 3 4 5 दबाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये स्टिकी की वाला है, गो टू इजी एक्सेस तो ये खुल गया स्टिकी की। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है कि इससे ओपन हो जाएगा, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ लेकिन मेरे किसी काम का ये नहीं है। इसे देखिए बड़ा छोटा कर्सर होगा जो है ना, जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है। ठीक है, आप इसको सॉलिड ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मोटा कर सकते हैं, ज़्यादा पतला कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कर्सर का साइज जो ब्लिंक करेगा। ठीक है, यही है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं और इजी एक्सेस। ठीक है, यूज इस कंप्यूटर विदाउट डिस्प्ले, जी हमारे पास है डिस्प्ले। ये नरेशन बताएगा कि जैसे जहाँ पे माउस ले जाएंगे तो रिकॉग्नाइज वॉइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देगा। ठीक है, ये पॉइंटर के बारे में बता रहा है कौन सा चाहिए। ठीक है,
मेरे लिए ये रेगुलर ही बेटर है, इसलिए मैं यही ले लूँगा। ठीक है, टर्न ऑन माउस कीज़। ठीक है, इसको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा माउस सेटिंग में आपको। ठीक है, इजी बाकी टेक्स्ट विजुअल अल्टरनेट साउंड। ये विजुअली इसका मतलब ये है कि जो है आपका रिकॉग्नाइज करेगा वॉइस वगैरह के जरिए। ठीक है, ईजी एक्सेस सेंटर। फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर ऑप्शन मैंने शायद एक बार बताया था आप लोगों को, यहाँ से फोल्डर को हाइड और अनहाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए माय कंप्यूटर मैंने ओपन किया, फिर इसको ओपन किया, फिर इसको ओपन किया, फिर इसको ओपन किया, तो सारा फोल्डर इसी विंडो में ओपन हो रहा है ना। लेकिन मैं फोल्डर ऑप्शन में यहाँ पे आ जाऊँगा, ये देखो, ठीक, इसमें मैं क्लिक करके कर दिया ओके, तो ये जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसा ही इसका काम होगा। ठीक है, आया, इसको ओपन किया, दूसरा विंडो आ गया। ठीक है, इसको भी ओपन किया, दूसरा विंडो में खुल गया, ये देखिए। ठीक है, तो ये अलग अलग विंडो खुल रहा है। ठीक है, ये उसी का इफेक्ट है। अगर आपको दूसरा विंडो खोलना है तो कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो भी दूसरा विंडो में ये खोल देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको इसमें क्लिक कर दूँगा। बोल रहा है सिंगल क्लिक, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ओके मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब डबल क्लिक नहीं है, सिंगल क्लिक में ही कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फोल्डर ओपन होगा। ये देखिए खुल रहा है ना, तो सिंगल क्लिक से यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं डबल क्लिक ही करने देता हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है नेविगेट पैनल। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है अपने आप नेविगेट करते जाएगा। ठीक है, सो ऑल फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो ऑल फोल्डर को शो करेगा और ऑटोमेटिकली एक्सपेंड टू करंट फोल्डर क्लिक कर दूंगा तो अब आप देखिएगा, ये देखिए अपने आप ही ओपन हो गया है ना। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, ओपन, सारा फोल्डर ओपन हो गया यहाँ पे, जितना जितना होम में था। ठीक है, उन सभी फोल्डर को मैं पहले बंद कर देता हूँ, तो बंद हो गया। अब इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए अपने आप ये खुल गया, इसमें क्लिक करूँगा तो ये देखिए खुल गया है पब्लिक फोल्डर यहाँ पे, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड फोल्डर खुल गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है मेनू बार करेंगे तो मेनू बार खुल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग वही देख लिया करना जैसे आपको पसंद आए। व्यू में जाएंगे यहाँ पे, ये व्यू वाले में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि डोंट सो हाइड फाइल फोल्डर और ड्राइव, तो इस पे सेलेक्टेड रहेगा तो हाइड किया हुआ फाइल या फोल्डर नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब हाइड करना कैसे है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर एक बना लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, जाऊँगा प्रॉपर्टी में, यहाँ पे हिडन पे क्लिक करूँगा, कर दूँगा ओके, हाइड हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा, फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाऊँगा। ठीक है, व्यू में जाऊँगा, फिर कर दूँगा सो हिडन फाइल ऑप्शन, ओके करूँगा तो ये देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पे तो हाइड था, मेरा न्यू फोल्डर ये वाला है देखिए। अब फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इसको अनचेक करके कर दूँगा ओके, तो ये अनहाइड हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कर दूँगा सो डोंट से, तो ये अब सो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप काम कर लोगे। ठीक है,
तो आप फोल्डर हाइड कर लोगे, शो कर लोगे, हो जाएगा ना? नहीं होगा। ये फॉन्ट वगैरह का है, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉन्ट वगैरह दिखेगा। फॉन्ट वगैरह कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल करना है तो कैसे करोगे आप? बहुत सारा फॉन्ट को यहाँ से कॉपी कर लोगे, यहाँ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर दूंगा तो भी हो जाएगा, या फिर मैं कॉपी कर लूँगा और इधर को आऊँगा और इधर को आके मैं कर दूँगा राइट क्लिक, पेस्ट वेस्ट का ऑप्शन नहीं देगा क्या ये? पेस्ट कर दूँगा तो ये देखिए इंस्टॉल हो जाएगा ये इसमें फॉन्ट, ठीक है। तो आप ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉन्ट वगैरह, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड इसमें क्या है? कुछ खास नहीं है, ये गो ऑनलाइन टू फाइंड व्हाट्स न्यू ऑन विंडोज। नया क्या है? अब नया यही है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने, विंडोज 7 को माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया, यही नया है, ठीक है। फिर बोल रहा है पर्सनलाइज विंडोज, पर्सनलाइज का क्या मतलब है? तो यही है वॉलपेपर बदलना, थीम विम बदलना, साउंड वाउंड बदलना, ठीक है, यही पर्सनलाइज होगा जो मैं आपको बता दिया हूँ। डेटा ट्रांसफर एंड सेटिंग फ्रॉम अंदर कंप्यूटर, तो यहाँ से आप डेटा का ट्रांसफर करने का ये बात कर रहा था जो मैं पहले आपको बताया था, केबल लगा करके या नेटवर्क के थ्रू या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह है तो, ठीक है। ये होम ग्रुप्स वगैरह का बात कर रहा है, कोई मतलब का वो है नहीं। चॉइस सेम नोटिफाई अबाउट सेटिंग और कंप्यूटर, मान लीजिए कुछ बदल वगैरह रहा है, बदलाव कर रहे हैं आप, ठीक है। खैर छोड़िए, एक कुछ है नहीं काम का उतना, काम का ये वाला है बैकअप योर फाइल, ये फाइल का बैकअप वगैरह लेने के लिए है, ठीक है। जो पहले मैं बताया था बैकअप के लिए, वही बैकअप ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बैकअप ले लिया कंप्यूटर का, फिर फॉर्मेट भी हो जाता है तो क्या दिक्कत है आपको? आपने तो बैकअप बना रखा है ना पहले से, तो आप ऐसे जब बुरा आपका दिन चलने लगेगा, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, तो आप जो बैकअप लिए रहेंगे वो बैकअप से आप काम चला लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे, तो आपका कंप्यूटर फिर पहले जैसा होगा, ठीक है। ऐड न्यू यूज़र टू योर कंप्यूटर, ये नया यूज़र अकाउंट ऐड करने का बात कर रहा है, मैं नहीं बताऊंगा यूज़र अकाउंट के रिलेटेड अभी कुछ आपको। ये टेक्स्ट का बात कर रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा अप्लाई लेटर, ठीक है। अब मैं लॉग ऑफ करके तो नहीं करूंगा, लेकिन इससे क्या होगा कि बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। चेंज डिस्प्ले सेटिंग वगैरह का है, तो यहाँ से आप डिस्प्ले का सेटिंग्स वगैरह डुप्लीकेट एक्सटेंडेड कर सकते हैं। पोर्टेड है, लाइन डिस्क्राइब है, जैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये वही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट के साथ में एरो की दबाया तो रोटेट हो गया, किसी में ऑल्ट के साथ दबाने से भी रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो वही इसका मतलब है, बाकी तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। इंडेक्सिंग फाइल ऑप्शन, ये तो बता के कोई फायदा नहीं है जो है। ये ग्राफिक्स वगैरह का है, कहाँ मैं क्लिक कर दिया फाइल, तो इसका सेटिंग्स वगैरह आप मत छेड़छाड़ करना, वरना कलर वगैरह आपने छेड़छाड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। इंटरनेट ऑप्शन है, आपको मैं प्रॉक्सी वगैरह के बारे में बताने के लिए बोला था ना, कल वल देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ मैं, ठीक है, तो उसी समय देख लेंगे। बाकी जावा अपडेट, कीबोर्ड, एक कीबोर्ड के रिलेटेड है,
ठीक है, खैर छोड़िए इसको, आप छेड़छाड़ ना करो, कोई मतलब का नहीं है। मेलिंग वगैरह मैं आप लोग को बताया नहीं बताया? नहीं बताया? बताया, चलिए कल उसको भी देख लेंगे, माउस को देख लेते हैं, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट काम लगता है मेरे को। ये पहला वाला जैसे मान लीजिए, आप क्या करते हैं, आप माउस के राइट साइड क्लिक करते हैं तो ऐसा आता है, लेफ्ट साइड क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है, या डबल क्लिक करते हैं तो जो है गायब हो जाता है, डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि माउस के जो है लेफ्ट साइड में क्लिक करूँ तो राइट क्लिक हो जाए, तो कैसे होगा जी? विंडोज आर दबा के कंट्रोल पैनल खोलूँगा, फिर इधर माउस खोलूँगा, ठीक है, और माउस में देखिए क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या क्या बोलते हैं चेंज कर लेंगे, राइट क्लिक का जो माउस का राइट क्लिक है वो इस तरह से यहाँ पे बदल जाता है, ठीक है। आप बदल के देखिएगा जो है उल्टा हो जाएगा आपका माउस, लेकिन उल्टा करके छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएगा जो चलाता रहेगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे डबल क्लिक का, स्पीड का, डबल क्लिक कितना स्पीड में जो है क्लिक करें, कितना स्पीड में क्लिक करें, तो स्लो कर देंगे तो आराम से क्लिक होगा, हाई कर देंगे तो जल्दी जल्दी क्लिक करना पड़ेगा तब ओपन होगा, ठीक है। मैं इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे बोल रहा है टर्न ऑन क्लिक लॉक, इससे क्या होगा, लॉन्ग या शॉर्ट, मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही छोड़ दे रहा हूँ। इसको किया मैं ओके, ठीक है। तुम छोटे हो जाओ, अब मेरे पास तो माउस है नहीं कि मैं बताऊं, माउस पैड, माउस तो है नहीं मेरे पास, टच पैड ही है। इसका क्या मतलब था ना जो मैंने वो सेटिंग किया, कहाँ गया कंट्रोल पैनल, फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ उसको। इसका क्या मतलब था कि जैसे आपने पकड़ के उसको डबल क्लिक करके ड्रैग करना शुरू किया, ठीक है, तो आप क्लिक करके ही ड्रैग करते हैं तो ही ड्रैग होता है ना, लेकिन इसको क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करके ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, एक बार क्लिक किए ड्रैग करेंगे आप, फिर आप जो है छोड़ भी देंगे फिर भी जो है वो ड्रैग होगा ही होगा, फिर जाके क्लिक बटन करेंगे तो वो छोड़ देगा। इसी बात को ये अंग्रेजी में जो है लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब माउस मेरे पास रहता तो मैं दिखा देता, लेकिन अभी है नहीं मेरे पास माउस, ठीक है। ये देखिए अभी मैं जैसे इसको पकड़ रहा हूँ ना, ये देखिए जा रहा है, ठीक है। डबल क्लिक करके जो है मैं एक बार पकड़ा, अभी अपने आप जो है ये मैं माउस जैसे कर रहा हूँ ये जा रहा है, अब क्लिक कर दिया तो ये छोड़ दिया, ठीक है। डबल क्लिक करके एक बार पकड़ा, फिर दोबारा जो है इसको मैं कहीं भी ले जाऊंगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, मुझे ये नहीं है पसंद जो है। फिर अगला यहाँ पे माउस का पॉइंटर है, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये बीजी का माउस पॉइंटर है, ये सिलेक्ट करने का है, ये किसी और चीज का है, ठीक है। इसमें मैं आऊंगा और इसमें कर दूंगा ब्राउज, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो माउस का चाहूँ आइकन, वो माउस का आइकन जो है आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पेन वाला बढ़िया दिख रहा है, कर दिया ओके, कर दिया जी ओके। अभी देख लो पेन आ गया इधर को, ठीक है।
अब इसको पकड़ूंगा ऐसे, किधर माउस वाला गया, गायब हो गया क्या? ये माउस है। अब फिर से मैं पॉइंटर पे आऊंगा, ये एक ही जैसे दिख रहा है। हाँ वही वाला पेन है, ठीक है। यूज डिफॉल्ट पे क्लिक किया तो डिफॉल्ट वाला आ गया। इसी तरह से इसमें मैं क्लिक करूँगा, ब्राउज पे क्लिक करूँगा और जो सेलेक्ट कर लूँगा वो वाला मेरा बन जाएगा। माउस का पॉइंटर आप इस तरह से चेंज कर लोगे, ठीक है। फिर ये माउस पॉइंटर ये स्लो फास्ट के लिए है, यहाँ पे मैं कर दिया तो ये देखिए बहुत धीरे धीरे हो गया। ये देख लीजिए ये धीरे धीरे जा रहा है। अब इसको यहाँ तक ले लाऊंगा तो ये देखिए फास्ट चलने लगा माउस, ठीक है। ये देखिए ठीक है, तो इसे फास्ट स्लो स्लो करेगा। इस पर क्लिक करके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स बटन इन डायलॉग बॉक्स अप्लाई। ये देखिए कमाल का भी चीज है, इसे कर दीजिए ऐसे। ओके नहीं इसको लॉन्ग ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। कर दिया ओके। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये दिख क्यों नहीं रहा है। मैं लॉन्ग तो किया ओके जी। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई वैसा ही देता है लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये कंट्रोल आप दबाएंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये वाला अगर क्लिक्ड रहेगा तो ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ ओके जो है, ठीक है। और भी इसमें कुछ है क्या? और तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हार्डवेयर में बोल रहा है कि ये हार्डवेयर है माउस का, ठीक है, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब से। मैं हटा दूंगा इन सबको। थोड़ा स्लो हुआ मेरा, फास्ट हो गया। ओके कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको तो मैं नहीं बढ़ाया था ना, चलिए ठीक है नहीं बढ़ाया हूँ तो। बाकी और कुछ लोकेशंस में ये नेटवर्क के रिलेटेड है, जैसे इसमें अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे कट का साइन दिया है। अगर कनेक्टेड होता तो यहाँ पे साइन नहीं देता। यहाँ पे मैनेज वायरलेस नेटवर्क पे जाएंगे तो यहाँ पे जितना मैंने यूज़ किया हुआ है जिसका वाईफाई उसका जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, जाऊँगा मैं प्रॉपर्टी पे, ठीक है, और सिक्योरिटी पे, और इसमें शो करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेव है जो कनेक्टेड है उसका पासवर्ड वगैरह देख सकते हैं, बड़ा आसान काम है, ठीक है। तो आप लोग भी देख लेना ऐसे। यहाँ पे नेटवर्क का पूरा एडाप्टर जो है शो कर रहा है, ठीक है। ब्लूटूथ का है, लोकल एरिया का नेटवर्क है, ये वर्चुअल बॉक्स का है, ये डेल वगैरह का है, वायरलेस नेटवर्क का, ठीक है। नोटिफिकेशन एरिया ये जो है ना, इधर नोटिफिकेशन एरिया इसी को कहते हैं जो इधर किनारे दिख रहा है और ये सब, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन एरिया कब शो होना चाहिए, कब शो नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे नेटवर्क वाला है, ठीक है,
जैसे शो आइकन एंड नोटिफिकेशन, तो ये आइकन सिर्फ शो होना चाहिए या फिर सिर्फ नोटिफिकेशन, हाइड आइकन एंड नोटिफिकेशन, या फिर शो नोटिफिकेशन, खाली नोटिफिकेशन शो करेगा आइकन को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो वही इसका कुछ जो आप सिलेक्ट कर लोगे वही शो करेगा, ठीक है। तो वही इसका मतलब है, ठीक है। ऑलवाइज शो ऑल आइकन्स एंड नोटिफिकेशन क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे सारा शो करने लगेगा, लेकिन मुझे सब नहीं चाहिए जी, तो इसको मैं अनचेक करके कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। पेरेंटल कंट्रोल, इसका क्या मतलब है जी? इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, पासवर्ड मैं नहीं डाल रहा हूँ। यूजर अकाउंट के रिलेटेड मैं चीज़ें आपको जो है नेक्स्ट दिन बता दूंगा। अभी मैंने पेन ड्राइव रखा नहीं है और मुझे कुछ ऐसा बताना है जो पेन ड्राइव से पॉसिबल है, ठीक है। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन टूल है ये, प्रोसेसर बता रहा है, रैम ऑपरेशन पर सेकेंड इतना कर रहा है, बाकी चीज़ें पर ये आपके पल्ले अभी पड़ेगा नहीं, मैं क्लॉक बताऊंगा। तो पावर मैनेजर इसको देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। अब बैटरी अगर जो है, बैटरी से अगर चल रहा है तो 2 मिनट में डीम हो जाना चाहिए, टर्न ऑफ डिस्प्ले 1 घंटे में हो जाना चाहिए, और स्लीप मोड में कब चला जाना चाहिए, 1 घंटे के बाद ही। वही अगर प्लग्ड इन माने अगर चार्ज में लगा है तो क्या होना चाहिए, 5 मिनट में डीम होना चाहिए जी, और डिस्प्ले बंद हो जाना चाहिए 1 घंटे के अंदर, और 1 घंटे के अंदर ही या 1 घंटे के बाद में जो है स्लीप मोड में चल जाना चाहिए कंप्यूटर। ब्राइटनेस कितना होना चाहिए तो सेलेक्ट कर लेंगे इधर से, ठीक है, और सेव चेंजेस में कर दूंगा तो सेव हो जाएगा यही। इसमें क्लिक करूंगा तो इसका सेटिंग रहेगा, ठीक है। ये दूसरा पावर प्लान है पावर सेवर का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें अलग सेटिंग है, देख लो, ठीक है, तो अलग सेटिंग हो जाएगा। अब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो इसमें जो सेटिंग है वो काम करेगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस पर मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसमें जो पावर सेटिंग दिया हुआ है इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ये ब्राइटनेस वगैरह का ही है ये भी, ठीक है। म्यूट अनम्यूट करने का है, यहाँ पे म्यूट अनम्यूट हो रहा होगा आप देखोगे तो। टर्न वायरलेस ऑफ, ठीक है, प्रोजेक्टर वगैरह के लिए टर्न ऑन टर्न ऑफ करूँगा तो होगा, ठीक है। डिसकनेक्ट डिस्प्ले, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो गायब हो जाएगा, सच में हो गया क्या, ये मज़ा नहीं आया। चल भाई डुप्लीकेट कर दोनों साइड दिखा, हाँ अब ठीक है, हाँ तो रहा है, ठीक है। तो ये मोबिलिटी में वही है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए कनेक्ट, ठीक है। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर्स, आपने कुछ सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करा है, ठीक है, उसको अगर हटाना है अनइंस्टॉल करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप कंट्रोल पैनल में आइए जी, ठीक है। विंडोज आ दबाइए, कंट्रोल लिख के एंटर मारिए, खुल जाएगा कंट्रोल पैनल, ठीक है। और फिर प्रोग्राम एंड फीचर में आइए, प्रोग्राम एंड फीचर में आने के बाद यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर्स आपको दिख जाएंगे जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करिए, यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, या फिर राइट क्लिक करिए यहीं पे और कर दीजिए अनइंस्टॉल, ठीक है। राइट क्लिक करिए, कर दीजिए अनइंस्टॉल, तो हो जाएगा वो अनइंस्टॉल, ठीक है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर जो है आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होता है वो तुम्हें बताया हूँ आप लोगों को, डबल क्लिक करिए, अगर कुछ जो जो पूछता है वो बता दीजिए, उसको इंस्टॉल हो जाएगा। या फिर जो सीरियल नंबर वाला इंस्टॉलेशन है उसमें आप सीरियल नंबर डालिए और इंस्टॉलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये रिकवरी वही वाला है जो है, जो मैं बता रहा था आपको, बैकअप वगैरह लेना, ओपन रिकवर करना, ठीक है। रीजन एंड लैंग्वेज जो मैं डेट टाइम में बता रहा था वही वाला है, ठीक है। तो आप देखिएगा जो है क्या बोल रहा है, ये रिमोट ऐप एंड डेस्कटॉप कनेक्शन, इसका मतलब ये है कि आप जैसे किसी का सिस्टम जो है रिमोटली आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे आएंगे ऑल प्रोग्राम और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या फिर इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे आप आएंगे ऐसे, किधर गया, एक्सेसरीज रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डालेंगे कंप्यूटर का नेम या आईपी एड्रेस, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो है आपके कंप्यूटर से वो रिमोटली जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है रिमोटली वगैरह कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप दूसरे के कंप्यूटर्स को रिमोटली कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग। कोई लैपटॉप लाया है क्या आप लोग में से? नहीं लाया है? लाया है? नहीं लाया, चलो कोई बात नहीं। ये साउंड वगैरह का है जी, ठीक है, स्पीकर्स वगैरह का आप साउंड को यहीं से मैनेज कर लोगे, ठीक है, ऐसे डेस्कटॉप गैजेट्स कहाँ पे मैं आ गया, स्पीच रिकॉग्निशन है, आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको ये रिकॉग्नाइज वगैरह करेगा, ठीक है। स्टार्ट स्पीच रिकॉग्निशन, सेटअप माइक्रोफोन, टेक स्पीच ट्यूटोरियल ट्रेनिंग्स वगैरह, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो रिकॉग्नाइज करेगा जो है अदर माइक है या फिर डेस्कटॉप माइक्रोफोन है या हेडफोन्स वगैरह आप लगाए हैं, ठीक है, तो उससे आपका रिकॉग्नाइज वगैरह करेगा, ठीक है। खैर छोड़िए, इससे तो मेरे को मतलब है नहीं, इसलिए इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप्स वगैरह में ट्राई करेंगे तो जो है चलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में नहीं चलेगा आपके कंप्यूटर में, बट ट्राई करना लैपटॉप्स वगैरह में करोगे तो। सिंक्रोनाइजेशन का सेंटर है ये, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन को मैं बताऊंगा बाद में, मुझे जैसे याद आता है तो बाद में। ये सिस्टम का प्रॉपर्टीज बताएगा जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, एक माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइए और देख लीजिए, वही ये प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था आप जानते हैं, ठीक है। टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू, तो वही जो टास्क बार स्टार्ट मेनू वगैरह का मैं आपको कस्टमाइजेशन वगैरह करना बताया था पहले, वही है जो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी लाते हैं, ठीक है, तो वही है जो मैंने आपको बता दिया था जो है पहले। ट्रबल शूटिंग है, कोई विंडोज़ वगैरह में आपके प्रॉब्लम आ जाए या नेटवर्क में प्रॉब्लम आए हार्डवेयर साउंड वगैरह में, तो उसी का ट्रबल शूटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, कुछ काम का चीज़ नहीं है क्या इधर। ये विंडोज़ का जो ये यूज़र अकाउंट है इसको मैं अगले दिन आपको बताता हूँ जब पेन ड्राइव वगैरह में लेके आऊँगा तो, ठीक है। विंडोज़ कार्ड स्पेस ये भी तो कुछ है नहीं जो है, छोड़िए नहीं बताऊंगा, मेरा इच्छा नहीं है। विंडोज डिफेंडर ये जो है आपका सिक्योरिटी वगैरह के लिए होता है, ठीक है। जैसे विंडोज 7 में क्या होता था कि आप एंटीवायरस अगर नहीं डालेंगे तो आपका विंडोज सही से नहीं चलेगा, वायरस वगैरह आ जाएगा, लेकिन जो विंडोज 10 है उसमें एंटीवायरस वगैरह का ज़रूरत नहीं है, आप अलग से नहीं डालेंगे फिर भी वो चलेगा, ठीक है।
तो ये क्या है कि ये जो डिफेंडर का प्रोग्राम है, फायरवॉल का प्रोग्राम है, उसमें वो पावरफुल है विंडोज 10 का, वो वायरस वगैरह नहीं लगने देता। ठीक है, ये विंडोज फायरवॉल से क्या मतलब है जी? जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर में नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, आप नेट चला रहे हैं, तो बाहर के नेटवर्क से आपके नेटवर्क में अगर कोई एक्सेस करेगा तो पहले फायरवॉल के थ्रू होते हुए एक्सेस करेगा, आपके और इंटरनेट के बीच में एक दीवार खड़ा हो जाएगा जिसको फायरवॉल कहेंगे, और वो फायरवॉल जो है आपके रूल के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, आपके रूल के अकॉर्डिंग मतलब क्या? मतलब ये कि कौन से वेबसाइट को आपके कंप्यूटर से चलाया जाए, कौन से वेबसाइट को ना चलाया जाए। ठीक है, जैसे फेसबुक कोई ना ओपन कर पाए, इंस्टाग्राम कोई ना ओपन कर पाए, जीमेल बस चला पाए। ठीक है, तो इस तरह का रूल जो है आप फायरवॉल में जो है लगा देंगे, तो जो है जो यूजर है जो आपके इंटरनेट एक्सेस कर रहा है आपके कंप्यूटर से, वो नहीं चला पाएगा फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह। ठीक है, यही आपका फायरवॉल है। बाकी तो शायद मैं इंटरनेट के थ्योरी में बता ही दिया था, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। मोबाइल मोबिलिटी सेंटर जो मैंने आपको बताया था वही है। विंडोज अपडेट, विंडोज 7 का अपडेट यही है कि विंडोज 7 का सपोर्ट बंद कर दिया माइक्रोसॉफ्ट, तो ये विंडो को देखना ही बेकार है। और कोई समस्या है जी आपको तो आप बताइए, मैं वो भी सुन लूँ। ठीक है, कोई समस्या ना हो तो वो भी बता दीजिए कि समस्या ही नहीं है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताया नहीं आज, वो है यूज़र अकाउंट बनाना, और दूसरा ये रिसाइकल बिन। जैसे कि मान लीजिए मैं राइट यहाँ पे माई कंप्यूटर को खोल देता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको जो है बड़ा करता हूँ, ये बोल रहा है यहाँ पे 27 GB फ्री, यही बोल रहा है ना, और इस मूवी का साइज कितना है देख लेता हूँ मैं, 901 MB है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक, ये तो जो 27 GB था वही है जी, कहाँ खाली हुआ, नहीं हुआ ना, ये गया कहाँ, ये रिसाइकल बिन में आके है। ठीक है, तो डिलीट करने से रिसाइकल बिन में चला जाता है जी। ठीक है, तो रिसाइकल बिन के पीछे का क्या साइंस है, कैसा काम करता है रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन से डिलीट करेंगे तो दोबारा सॉफ्टवेयर रिकवर होगा नहीं होगा, इसको हम लोग देख लेंगे अगले दिन देख ले या आज ही देख ले। लेकिन क्योंकि समय लगेगा थोड़ा इसमें, कहोगे तो मैं अभी दिखा दूंगा, अगले दिन देख ले। समय कितना हो गया, कल देख लेते हैं अगले दिन जो है। ऑडियो मेरा रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है रिकॉर्ड, पता नहीं, हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो और ठीक है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो जी, इसको मैं बंद कर देता हूँ।